वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एसके ब्लॉग्स फार्मिंग लाइफ। गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि मेरे आसपास आप अभी डाबी देख रहे होंगे, सोयाबीन की गड्डी जो हमने गाइस उसी दिन काट ली थी जिस दिन हमने उस जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने उसमें इकट्ठा कर रहे हैं सारे सोयाबीन, उसी टाइम पे ये कट गए थे और पानी आ गया था तो हमने ये हमसे छूट गए थे। तो गाइस इन पर पानी गिर गया था तो हमने अभी सुबह से इनको पलटी कर दिया है ताकि इनके नीचे की परत भी सूखी हो जाए, और हम इसको भी अभी समेट रहे हैं ताकि मशीन आए इसको निकालने के लिए, तब ये भी अच्छे से थ्रेशर में वो हो जाए तो निकल जाए। तो गाइस चलिए हम इसे करते हैं इकट्ठे। अभी चाचा ने बोला है, सुरेंद्र चाचा ने, कि लेकर आएंगे वो थ्रेशर को दोपहर तक, तब तक आज अच्छा मौसम है तो निकाल लेते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए चलते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं। तो भाई हमने ये सारे इकट्ठे कर लिए हैं और ये लास्ट की पार्ट बहुत ही ज़्यादा वजन लेते हुए हमारे एडिटर साहब ढेर की ओर जा रहे हैं, और ये वाली फाट अभी हमारी मम्मी जी बांध देंगी इसको और हम भी लेके जाएंगे। तो गाइस ये इन्होंने यहाँ तक काटा था और इतने इस खेत में बचे हुए भी हैं आप देख सकते हैं, और ये खेतों में गाइस कांचरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये देखिए गाइस, कांचरी ही कांचरी, इनकी सब्ज़ी बनाएंगे एक नंबर, मज़ा आएगा खाने में। ये बहुत सारी कांचरी है, ये जगह जगह आपको जो हरे हरे झुंड दिख रहे हैं सारे कांचरी है। बहुत ज़्यादा वजन है। तो गाइस हमारे जो अभी तक के हमने इकट्ठे किए उसमें इतने सोयाबीन है और थ्रेशर भी आ रही है जैसा कि मैंने आपको बताया, और एडिटर साहब ट्रैक्टर लेकर भी आ गए हमारा। ओके, तो गाइस अभी फाइनली काम लगने वाला है। हमारी थ्रेसर आ गई है, ट्रैक्टर लेकर आ गए हैं चाचा उनके। तो चलिए अब निकालते हैं सोयाबीन को और काम स्टार्ट करते हैं। ओके,
और मिश्रा